खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मेष राशि, आपका दिन बहुत अच्छा है, खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। खासतौर से दोपहर तक का समय बहुत अच्छा प्रोडक्टिव टाइम है, इसलिए मेहनत कर ले, धैर्य रखिएगा। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन अपने रिश्तों को संभाल कर रखना होगा और नए रिश्ते जोड़ने में जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो कष्ट हो सकता है। उपाय क्या करेंगे, इस दिन दूध या दूध से बनी हुई चीजों को बांटिए तो वो जी सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, समय बहुत अनुकूल है आपके लिए, वाहन गृहस्थी मित्र इन सब के सुख मिलने वाला यह दिन है। घर से संबंधित, घर खरीदने, प्लॉट आदि संबंधित भी कोई बातचीत आगे बढ़ सकती है, तो कुल मिला के समय अच्छा है। बस एक छोटी सी सावधानी बरतिएगा, जिन लोगों को सर या रक्त संबंधी व्याधि रहती है वो ध्यान रखें। बाकी एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, हनुमान जी की पूजा करके फिर काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला ले सकते हैं जिससे थोड़ा सा आर्थिक कष्ट आपको हो सकता है या किसी व्यक्ति की निंदा का कारण आप बन सकते हैं। बाकी तो कुल मिला के समय ठीक है, बस एक छोटी सी सावधानी रखिएगा, इस दिन यात्रा पर जब जाएं तो सोच समझ कर चलाइएगा वाहन। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम रुद्राय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुट जाएं। कर्क राशि, समय आपके लिए दोपहर तक अनुकूल है, मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, फिर भी समय बुरा नहीं होगा, हाँ उस थकन महसूस करने लगेंगे। एक सावधानी जरूर रखनी, इस दिन क्रोध पर काबू पाना है और बहुत विश्वास करके ही किसी से कोई खास बात कहिएगा, अन्यथा कहिएगा नहीं। उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय जप कीजिए, अभिषेक कीजिए और जुट जाइए अपने काम पर, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे आइडियाज आपके पास रहेंगे, ऊर्जा शरीर में है, अच्छे काम कीजिए, लेकिन एक सावधानी, इस दिन सर्दी का परहेज कीजिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुटें। कन्या राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे, बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन धन खर्च हो सकता है, इसलिए कंट्रोल करके चलें। उपाय क्या करेंगे, लोगों को जल पिलाइए, देखिए प्रभु जी आपका साथ देंगे। तुला राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं और विवाह संबंध से भी कोई बातचीत हो सकती है, ससुराल पक्ष से भी कोई बातचीत हो सकती है। एक सावधानी लेकिन आपको बरतनी होगी, आपके घर में कहीं किसी बुजुर्ग या बड़े के स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा। एक छोटा सा उपाय जरूर कर लें, इस दिन कुछ भी मिठाई लेकर घर से निकलिएगा और लोगों को बांट दीजिएगा। वृश्चिक राशि, समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लाभ देने वाला ये समय है, थोड़ी सी भी मेहनत बहुत अच्छे परिणाम देगी, इसलिए जम के मेहनत करें। बस एक छोटी सी सावधानी इस दिन बरतनी होगी, इस दिन नए लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिएगा, कोई आपको बहका सकता है। उपाय क्या करेंगे, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम राम रहवे नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें। धनुराशि, भाषा से यह दिन कितना सफल है यह निर्णय होगा आज, इसलिए बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग कीजिएगा। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन आपकी कीमती चीज खोने का भय है, ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए पक्षियों की और कुत्तों की सेवा जरूर कीजिएगा। मकर राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़े, बस छोटी छोटी बातों में उलझे ना, आज अपने स्वप्न को पूरा करने की कोशिश करें। एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतनी होगी, इस दिन अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जल खूब पीते रहिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम रुद्राय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, फिर सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, समय आपके लिए बहुत अच्छा है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़े, बस एक छोटी सी सावधानी रखनी होगी, इस दिन किसी से झगड़ा हो सकता है, उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। आप एक छोटा सा उपाय करें, ओम नारायण नमो नमः का जप करके फिर काम पर जुटें। मीन राशि, यह दिन आपके लिए कुछ रुक कर फल देने वाला, कुछ बाधाओं के साथ आपके काम बनेंगे लेकिन बनते रहेंगे, किसी बुजुर्ग की या रिश्तेदार की कृपा से या उनके मेहनत से या उनकी सलाह से आपका कार्य बनेगा। एक छोटी सी सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन बुजुर्गों को नाराज नहीं करना, नहीं तो भाग्य पक्ष भी नाराज हो जाएगा। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, हल्दी और चावल का दान इस दिन जरूर करते हैं।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।